अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज जैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद के टूट फूट की। सेनेट में कायदे हिजब इख्तलाफ का इंतखाब पीडीएम को ले डूबा। शो कॉज जारी हुआ तो अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि पीडीएम को कुछ जमातों ने हाईजैक कर लिया है, इसे अपनी तरजीहात के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का अनअनाउंस ऐलान कर दिया। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूँ पीडीएम से, नायब सदर की हैसियत से। ये इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं पीडीएम से तर्जुमान की हैसियत से। जायद खान विड्रॉ करते हैं पीडीएम से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। और एएनपी पीडीएम तो मैं नहीं कहूँगा, पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। तकफीन हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ा कहना है कि किसी जमात की अलहदगी से तहरीकें नाकाम नहीं होती। ये दावा भी किया कि पीडीएम छोड़ने वाली जमात अपना सियासी नुकसान करेगी। कभी किसी जमात के छोड़ने से या नई जमात के दाखिल होने से तहरीकें ना नाकाम होती हैं ना कामयाब होती हैं। कोई भी अवामी जमात जो है तहरीक से खुद को अलग करेगी तो वो अपना सियासी नुकसान करेगी। अवाम उसी तरह उसको देखेंगे जिस तरह वो मौजूदा हुकूमत के जुल्म और सितम को देख रहे हैं, और जितना गम और गुस्सा उनको मौजूदा सेटअप से है उतना ही गुस्सा उससे होगा। ऐसे में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना है कि पीडीएम दम तोड़ चुकी है, इसके लिए दुआए खैर की जाए। अपोजिशन इत्तेहाद के दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एक की क्यादत मुस्लिम लीग नून और दूसरे की पीपल्स पार्टी करेगी। पीडीएम नाम की कोई चीज नहीं रही। पीडीएम के लिए दुआ खैर करें, बस पीडीएम फारिग है। दो मुख्तलिफ ग्रुप बनेंगे पीडीएम में, एक को लीड पीपल्स पार्टी करेगी, दूसरे को एन करेगी, और ये आपस में ही काफी है उलझने के लिए। दो ग्रुप्स होंगे, अब उनका क्या नाम रखते हैं, फजल रहमान किस ग्रुप में जाते हैं, अगले इलेक्शन की मनसूबा बंदी है, लेकिन पीडीएम आज दम तो। एएनपी के अलग होने का फैसला पीडीएम के लिए धचका है और ये कहना है खबर जमान कायरा का, हिजब इख्तलाफ का इंतखाब पीडीएम को ले डूबा है। शो कॉज जारी हुआ तो अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम से राहें जुदा कर ली हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के पुर्जे बिखेर रहा है। पीडीएम से एक बड़ी अहम जमात जो एएनपी है उसने अलहदगी का ऐलान कर लिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इसके ऊपर मौकफ सामने आया। खबर जमान कायरा का ये कहना है कि एएनपी का फैसला पीडीएम के लिए धचका है, तो ये एक बहुत बड़ा सिदरा, इसमें कोई शक नहीं है कि एपीडीएम का जो एक इत्तेहाद बनाया गया था, पीडीएम का जो इत्तेहाद बनाया गया था उसके लिए एएनपी का इत्तेहाद से अलग हो जाना ये यकीनन एक ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, तो एएनपी ने तो स्टैंड ले लिया। अब देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन। ना सिर्फ फवाद स्टैंड लिया गया है एएनपी की जानिब से बल्कि बड़े सीरियस एलिगेशन भी लगाए गए हैं। वो ये कि पीडीएम जो कि एक मुनज्जम सियासी जमातों का इत्तेहाद था, उस प्लेटफॉर्म से अपने जाती मकासाद और एजेंडे हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है, बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पीडीएम ने किस हैसियत में, किस अथॉरिटी में एएनपी को ये शोकॉज दिया, ये हक तो सिर्फ एएनपी के सरबराह का बनता है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। जी हाँ, नून लीग डिक्टेट कर रही है। कमर जबान कायरा ने ये कहा है, नून लीग ने अपना एजेंडा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पूरा करने की कोशिश की है, एएनपी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। तो कमर जबान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि एएनपी का फैसला पीडीएम के लिए धचका है और एएनपी ने दुरुस्त फैसला किया है। कायरा का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। एएनपी बड़ी अहम जमात है और उनका यूं छोड़ जाना यकीनन पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो जस्टिफाइड है।
वो दुरुस्त फैसला इस हवाले से है कि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातें सारी बराबरी की बुनियाद पे हैं और यहाँ फैसले इत्तेफाक राय से करने का फैसला हुआ था। अगर कोई जमातें एक या दो जमातें मिलके खास तौर पे मुस्लिम लीग का रवैया ये हो कि वो अपना एजेंडा डिक्टेट करें, वो अपनी लड़ाई पीडीएम के फोरम पे लड़ना चाहें और चाहें कि जिस तरह हम कह रहे हैं वो करें, अगर आप उनकी बात माने तो ठीक है वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। चौधरी शुगर मिल केस में नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज ने जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा की है। मरियम नवाज का जवाब 6 सफात पर मुश्तमिल है। मरियम नवाज ने अपने जवाब में नैब की जानिब से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की मुखालिफत की है। जवाब में कहा गया है कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 14 माह खामोशी के बाद तलब किया। नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज को दबाने की कोशिश है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। दरख्वास्त से बज़ाहिर लगता है कि चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। अबलीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का बड़ा दावा आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया की बासर शख्सियात नवाज शरीफ से राबते में है। इन राबतों ने हुकूमत को खाइफ कर दिया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बातें हो रही हैं कि मरियम नवाज बाहर जा रही हैं, तो सुन लें, अब बाहर जाने का नहीं, बाहर से पाकिस्तान आने का मौसम आ गया है। बातें हो रही हैं, मरियम नवाज शरीफ बाहर जा रही हैं, बाहर जाने का नहीं, बाहर से पाकिस्तान आने का मौसम है। अब ये मत कोई सोचे पाकिस्तानी कौम को इस हालत में कोई छोड़ के चला जाएगा। बाअसर शख्सियात वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की, उनके राबते नवाज शरीफ से हैं। जो जमात हुकूमत से छटकारे के लिए अवामी आवाज नहीं बनेगी, कल को अवाम उस जमात के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगी। अवाम ये समझते हैं कि हुकूमत को जाते जाते रास्ते में रोकने वाले इतने ही मुजरम हैं जितनी मौजूदा हुकूमत मुजरम है। इतने लोगों को आप गद्दार बनाते जाओगे, पाकिस्तान के अंदर को मुहब्बे वतन रहने दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला कर लिया है। दो रोज़ में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने जंगी बुनियादों पर इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया। सेनेट में तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान भी किया। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मामला हफीज शेख की काबीना बदरी और हमाद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दिए जाने पर ही थमा नहीं। वजीर आजम ने हुकूमत की सियासी फील्डिंग में मजीद बड़ी तब्दीलियां करने की ठान ली। मुशावरती स्पेल भी मुकम्मल कर लिया। कौन इन होगा और कौन आउट, आइंदा दो रोज में सब पता चल जाएगा। कलमदानों की तब्दीली के साथ साथ काबीना टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री भी मुतवक्के। इंतखाबी इस्लाहात का मिशन भी तेज तर। वजीर आजम इमरान खान का जंगी बुनियादों पर काम आगे बढ़ाने का आज़्म। आईनी माहिरीन से मुशावरत कर ली गई। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की मुलाकात में उन्हें दीगर जमातों से राबते की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हालिया सेनेट इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। सेनेट में तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलने का भी ऐलान। ये भी कहा, कोशिश है कि सेनेट में जेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। जाली अकाउंट्स केस की बात करते हैं। ओमनी ग्रुप के लाहौर में बेनामी प्लॉट्स मंजमद कर दिए गए। नैब के मुताबिक प्लॉट सिंध बैंक से फ्रॉड कर्स के लिए गिरवी रखवाए गए थे। अदालत ने बेनामी कंपनी के शेयर्स भी मंजमद कर दिए हैं। अब्दुल गनी मजीद ने बेनामी कंपनी के नाम पर 300 मिलियन का कर्ज लिया था। बेनामी कंपनी के नाम पर लिया गया कर्ज वापस नहीं किया गया। प्लॉट सिंध बैंक से फ्रॉड कर्ज के लिए गिरवी रखवाए गए थे, ये बताया गया है नैब की जानिब से। अदालत ने बेनामी कंपनी के शेयर्स भी मुंजमद कर दिए हैं और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि अब्दुल गनी मजीद ने बेनामी कंपनी के नाम पर 300 मिलियन का कर्ज लिया था। नैब का मजीद ये भी कहना है कि बेनामी कंपनी के नाम पर लिया गया कर्ज वापस नहीं किया गया। चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत के पास जावेद इकबाल की कुछ वीडियोज़ हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा दावा कर डाला है। कहा, एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब हो गया है। जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया। ये
चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। कल कौमी असेंबली में बात उठाई गई थी कि कुछ वीडियोज हैं हुकूमत के पास, उसकी बुनियाद पे किसी खातून ने शिकायत की थी पोर्टल पर कि ये शख्स जो है इसने कुछ ऐसी नाजेबा हरकतें की हैं, तो उस मामले को दबा दिया गया। उसने शायद वार्निंग भी दी है 7 तारीख तक कि मैं एक्शन लूँ। इंतसाब का इदारा खुद काबिल इंतसाब है। एक नए स्कैंडल का इजाफा हो रहा है। रूजवेल्ट होटल पर जो रिको डिक का फैसला जिस कंपनी के हक में हुआ था, उन्होंने इस पर लियन दिया है, यानी इसकी मलकियत जो है वो अब मशकूक हो चुकी है। कल जो होटल चलाने वाले हैं उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है हमें कोई 7-8 अरब 10 अरब रुपया और दिया जाए। हुकूमत वजाहत करे ये सारा मामला है क्या, ये कानूनी चारा कुछ ही नहीं है, ये एक इतिहाद है। उस इतिहाद के फैसले को तोड़ा गया, उस पर उस इतिहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया, ये उस इतिहाद का घरूनी मामला है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब की बड़ी बैठक हुई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत बड़ी सियासी शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नैब इलामिया के मुताबिक इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और साद रफीक के खिलाफ मुकदमात का जायजा भी लिया गया। नूरुल हक कादरी, सलीम मांडवीवाला और सनाउल्ला जहरी के खिलाफ दायर रेफरेंसेस का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने कहा कि मुलजिमान के खिलाफ करोड़ों अरबों की करप्शन के रेफरेंस दायर हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं, मुलजिमान इदारे पर तनकीद की बजाय अपनी तवानाइयां मुकदमात के दिफा पर खर्च करें। पीडीएम जमातों ने मुखालिफत की, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी मुखालिफत की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए बाप पार्टी से वोट लेने का फैसला किया। ये फैसला किसका था? साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है। जहांगीर खान तरीन हाजिर हों, FIA ने जहांगीर खान तरीन को 2 और बेटे अली तरीन को 1 केस में तफ्तीश के लिए 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बिलाखिर वो लम्हा आ गया है कि अब जहांगीर खान तरीन को और उनके बेटे को FIA के सामने पेश होना ही होगा। जी बिल्कुल, 9 अप्रैल को FIA ने दोनों बाप बेटे को तलब किया और उनसे 5-5 सवाल भी पूछे हैं। 2 केसेज हैं जहांगीर तरीन पर, जबकि 1 केस जो है उनके बेटे साहबजादे अली तरीन पर है। तो 5-5 सवाल उनसे कहा गया कि इनके जवाब साथ लेके आए। पर जो जहांगीर तरीन से पहला सवाल किया गया कि आपने क्या तरीका इख्तियार किया कि जिससे लगा कि 4.35 अरब रुपये मुनासिब कीमत है, और दूसरा सवाल इस तरह उनसे कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आपने कोई दूसरी रिपोर्ट भी पेश की कि 4.35 अरब रुपए की मुनासिब बोली है, और इसी तरह तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया कि FSL के लिए कोई और बोली देने को तैयार नहीं ना था, और चौथा सवाल आपने बताया कि बेटे की कंपनी खसारे में है। इसी तरह 5वां सवाल भी उनसे पूछा गया कि कंपनी की सालाना रिपोर्ट में खरीदारों के हवाले से क्या मालूमात फराहम की। तो इसी तरह अली तरीन से भी उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल उनसे है कि JKFSL कंपनी की कारोबार को क्यों बेचा, और 2 गन्ने का कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं भी इश्तहार दिया था। तीसरा सवाल जो किया है कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से रब्ता किया और क्या बोलियां लगाई। चौथा सवाल उनसे ये किया गया कि गन्ने का कारोबार बेचने की कीमत 4.35 अरब रुपए कैसे रखी। 5वां सवाल उनसे जो किया गया वो ये है कि 4.35 अरब रुपए की मनी ट्रेल साथ लेकर आई। ये सवाल दोनों बाप बेटे से किए गए हैं और उनको कहा है कि 9 अप्रैल को वो 10:30 बजे जो है वो FIA के ऑफिस आए और इनके जवाब साथ लेकर। सही, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर इंतजामिया ने चीनी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन के दौरान 4 दुकानों को सील करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। महंगी चीनी बेचने पर 40,000 रुपये जुर्माना किया गया। हुकूमत ने चीनी की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये मुकर्रर की है। ज़िले इंतजामिया ने कहना के इलाके में भी गोदामों पर छापा मारकर जखीरा की गई चीनी बरामद कर ली। 2 गोदामों को सील कर दिया। वज़ीर बराए तवानाई पंजाब अख्तर मलिक का कहना है कि कौम का पैसा लूटने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। चीनी रिपोर्ट में सिर्फ जहांगीर खान तरीन को टारगेट नहीं किया गया, शेरवानियां सिलवाकर बैठने वाले कानों में तेल डालकर सो जाएं। रातों रात फिर एक साजिश हुई
और उसकी वजह से ये सारा नोटिफिकेशन विदड्रा हुआ, जिस पर जनूबी पंजाब के लोगों ने बड़ा सीवियर रिएक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक सेक्रेटरी साहब को तो उन्होंने अरेस्टी कर दिया है। जहांगीर तरीन साहब, जो चीनी वाली रिपोर्ट आई है जो सट्टेबाजों वाली है, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको पर्सनली या पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है। जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। कंट्रीब्यूशन है लोगों के, लेकिन कंट्रीब्यूशन के बदले आप लोगों के कूप पे गासपाना कब्जा करेंगे, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ख्वाहिश करने पर तो किसी पे पाबंदी नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो भी उम्मीदवार था, चुप करके आराम से करना तेल पा के, बाकी जड़े शेरवानियां सवा के बैठे से सो जा। जरदारी साहब तो नवाज शरीफ को भी कहते थे कि हमने पंजाब में इनको खुद हुकूमत दी है, जब चाहेंगे ले लेंगे। अब सिंध में बड़ी मुश्किल से उन्होंने रखा हुआ है, तो हो सकता है अगली दफा अगर कोई प्रॉपर वहां पर सिंध में काम हुआ तो सिंध से भी जाएंगे। कोरोना की वबा तालीम की राह में रुकावट बन गई। मुतासरा अजला में पहली से आठवीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। नवीं से बारहवीं जमात के तलबा की 18 अप्रैल तक छुट्टी होगी। इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी सेहत अहम है। रिपोर्ट करेंगी फराह रब्बानी। मुस्तकबिल के मेमारों की पढ़ाई का एक और कीमती महीना जाया। कोरोना से ज्यादा मुतासरा अजला में क्लास 1 से 8वीं तक स्कूल बदस्तूर 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं के तलबा की पढ़ाई 19 अप्रैल से शुरू होगी। एनसीओसी की बैठक में बड़े फैसले। जो जिले मुतासर हैं वहाँ क्लास 1-8 जो है वो नहीं होंगी 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएं या नहीं। सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो 9-12 है वो 19 अप्रैल से स्ट्रिक्ट SOPs के साथ हर जगह स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज भी बंद, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहान मई से शुरू होंगे। 9, 10, 11, 12 के इम्तिहान को मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा। जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की अनाउंस की है उसको आगे कर दिया जाएगा। वज़ीरे तालीम और सेहत के इजलास में ए और ओ लेवल इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला किया गया है। फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। Their lifestyle, it is defined by how is it planning to reduce this inequality, and then the sort of things you've mentioned before too, before this report, this elite capture. And it's not just a problem of Pakistan, it is a problem of almost all the developing world. It is also of course a problem in the richer countries, where you see this incredible situation of about the last time, I think maybe it was the UNDP report, I'm not sure, where about around about 60 people own about the same amount of wealth as about 3.5 billion people on this earth, which are shocking figures, because there has to be something wrong with the world order where such inequality exists and such, on one side, such opulence or wealth that can never be spent in 10 lifetimes, and on the other hand you have extreme poverty, and then the with COVID, which is all it has done is that it has made poor people, whether they're in rich countries or in the poor countries, it's made them poorer. So more and more people have gone below the poverty line. It hasn't affected the rich people. In fact, some of the rich people have got richer during this this COVID last 1 year. Elite capture is a problem specifically of the developing countries. And I was reading the FACTI report. The Secretary General of the United Nations has made a panel under him which has come up with this report, and it is a shocking report. The report is that every year $1 trillion leave developing countries into tax havens or into properties in richer countries, and that $7 trillion of these poor countries' money laundered out of the countries is parked in safe tax havens and leaving the poor countries. So basically, this is, if I just look at the world, this one fact is the reason behind this huge inequality in this world.
and the cause of huge poverty, because when the sort of money leaves the poor countries, employment is created in the countries it is destined for. So the poor countries are not only deprived of employment, which this money could provide, not only does it also create poverty, because this is the money that could be spent on human development, but it also affects the currency, because when so many dollars leave the poor countries, the currency gets affected. And when the currency gets affected and when it devalues, it causes more poverty or inflation. So this is a vicious cycle going on. And really, unless something is done about it, I'm scared that the richer countries will have to build these walls to keep these immigrants, economic immigrants out, who will be trying desperately, risking their lives to get to richer countries. So this is the one factor which, in my opinion, is causing more deaths in this world, poverty, misery in this world. And unfortunately, the richer countries, there is no incentive to stop this this outflow from the poor countries of illicit money, because they gain from it. Now I come to the elite capture in our country, in our experience of 2.5 years. I'm proud to say that we are the first government that has gone after the cartels. No one in our history has gone after the most powerful sugar cartel. All it does is it jacks up the sugar prices, and sugar is consumed amongst the poor people the most, because it's like the dessert of a poor family, and the poor the children in poor families. Sugar is everything, and therefore, because it's consumed by the masses, therefore the sort of profits that are made by jacking up the sugar prices by the cartels, and because the cartels are all very powerful and connected politically, so this is the first time a government has taken this step, and we've strengthened the Competition Commission again to stop this. These cartels from making these mega profits at the expense of the people, who actually then bear the burden by because of inflation, and they get poorer. What I was very proud of this report was the performance of Khyber Pakhtunkhwa, a province that was devastated when we, in 2013, when we took over the province. It was devastated by the war on terror. There were bomb attacks going on. The people had migrated from Pakhtunkhwa to Islamabad or other cities because of the danger to their lives and the insecurity. And so it gives me great pleasure to have what you pointed out, that what the report says, that the province that reduced poverty the greatest and developed its human beings the greatest was KP, and it has almost caught up with Punjab. So that is a source of great satisfaction for my government. I'm also very proud of the way in COVID, during this last 1 year, the way we came out with this SARS program, and Sania deserves all the credit for disbursing this huge amount of money in the shortest space of time, and when no one could say that there was any sort of political type of distribution, or there was any. I noticed that in Lebanon, people were out in the streets, and they felt that the money distributed during COVID was distributed on political basis and wasn't equitably distributed, and I'm very proud that no one could say that about us. Your point, Dr. Pasha, that now that we are having probably a very scary third wave, in some ways, actually, it is more scary than the first wave. Second wave wasn't that bad. So we are going to speak to the IMF, because we see disruptions ahead. And all just when our economy was recovering and all the indicators were positive,
Unfortunately, now we will have to review the whole situation and a new SRS program, because the service industry has been badly hit everywhere in the world, but in Pakistan, our service industry has been really badly hit. And now with this third wave, we will have to give incentive packages. When we look at what the United States, with a population of 330 million, it's almost $4 trillion is what they have distributed. And our population with 220 million, we barely, $8 billion was the total incentive package we came up with. So I think it's time for a second package. And we will obviously talk to the IMF. And I think the head of IMF, I think she realizes, I've read a statement, she realizes that this is a very unique situation, and you cannot suppress demand and you cannot impose conditions when people are already suffering. So we will want, I will personally talk to her, and as you quite rightly mentioned, Dr. Pasha, that the UNDP report clearly states that, you know, you have to protect those, because people affected are the poor people. The masses are affected by everywhere in the world by the lockdowns and the disruption by the coronavirus. So we will be talking to them, and I look forward to reading in details your suggestions how we can protect the most vulnerable section of our society. Finally, all I would like to say is that this UNDP report is going to really help us, because you have gone into details. We talk in theory, but you will now, with all this data you've gathered, this will really help us in fine-tuning our policies. And the main thing is to protect our poor section of the society, and also the regional disparity. We're already working on that. Sania has been gathering this data. We've covered almost 75% of our population, and we hope to have this data of covering the entire population by June. And so what we plan to do is then give direct subsidies to people. Once we have this data, and this untargeted subsidy, as you quite rightly pointed out, it's utilized by those people who don't need it, and the people who need it are deprived of it. So we now are, once we have this data, then we will be able to directly subsidize that section of the population that's vulnerable, whether it is in the rural areas or in the urban areas, different types of subsidy to the small farmer, and then to urban consumer who's facing inflation. We will then be able to directly help them in their basic foods which they consume, you know, the basic stable diet. We will be able to directly fund them, because unfortunately it's the commodity prices are rising all over the world because of the COVID disruption of the supply side. So we will be able to protect these people by directly subsidizing them, and that's why this data is extremely valuable for us. So I want to again thank everyone, and I want to say that this really will help us. And UNDP has done a tremendous job, which is beneficial to us. And I'm sure such reports would benefit all the developing world. All the countries would benefit from this report. So thank you, Dr. Pasha. And thank you, everyone. UNDP पाकिस्तान की इंसानी तरक्की के बारे में रिपोर्ट का इजरा, इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खिताब में ये कहा कि लोगों को गुरबत से निकालना हुकूमत की तरजीह है, हुकूमत की तरजीह गरीब अफराद को ऊपर लाना है। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।